भाई फोन ऐसा भाई करो, चार लोग बोले ये कौन सा फोन है, ये वही फोन है, ये वर्ल्ड का स्लिमेस्ट फ्लिप फोन है, इसमें लार्जेस्ट कवर डिस्प्ले है विद फ्लैक्सी परफॉर्मेंस। तो आई एम एक्साइटेड इस फोन को टेस्ट करने के लिए। आप हो, ये है मोटोरोला का न्यू फोन, मोटोरोला रेजर 40 अल्ट्रा। ओके, तो ये मैजेंटा कलर है। इंडिया में ये लॉन्च हो गया है, दो फोन लॉन्च किए रेजर 40 सीरीज में, एक रेजर 40 और एक रेजर 40 अल्ट्रा। भाई फोन तो धाकड़ लग रहा है। तो भाई आओ, आप और मैं मिलके देखते हैं मोटोरोला के इस फोन में क्या खास है। फटाफट अनबॉक्सिंग कर लेते हैं। ये एक कट, ये दूसरा कट। ओहो, प्लास्टिक फ्री पैकेजिंग, नाइस। खुलते 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 ओहो, प्रीमियम फोन, प्रीमियम पैकेजिंग। ओहो, कुछ ज्यादा स्लिम नहीं है ये, देखो एक उंगली से भी पतला भाई। ओ, कागज का है, सौंधी सौंधी खुशबू है यार। ओके, तो ये सॉलिड कवर है, हार्ड है। इसके अलावा इसके अंदर क्या है? ओके, ये क्विक स्टार्ट गाइड, ये चार्जर, ये चार्जर भी कहीं कागज का तो नहीं है? ओ अच्छा, कवर है इसके अंदर। साथ में ये केबल, टाइप सी केबल है। ओहो, इस फोन को देखते एक डायलॉग याद आ गया, क्या कारीगरी है। तो ये है मोटोरोला रेजर 40 अल्ट्रा का फर्स्ट लुक और ये है मोटोरोला रेजर 40। दोनों का साइज सेम है, जो मेन डिफरेंस है वो आपको दोनों के कवर स्क्रीन में देखने को मिलेगा। इसका एक बार फ्रंट लुक देखो, काफी बड़ा स्क्रीन साइज लग रहा है। एक बार इसको फोल्ड करके देखते हैं, देखो यार गैप ही नहीं है इसके अंदर। तो एक बार ये कवर लगा के देखते हैं। लगाया, क्या बात है भाई, एकदम प्रोटेक्ट हो गया आपका फोन, अच्छी क्वालिटी का है। तो रेजर 40 अल्ट्रा के मेरे पास दो कलर है, एक है भाई ये मैजेंटा कलर जिसमें आपको वीगन लेदर मिलता है, टच करते हो बहुत ही एक रफ लेदर फीलिंग दे रहा है और देखने में भाई बहुत ही प्यारा, बहुत ही प्रीमियम लग रहा है। और दूसरा ये ब्लैक कलर है विद मैट फिनिश। भाई जब भी मैट फिनिश आती है, आगे बढ़ने से पहले मुझे इसका एक बार वेट चेक करना है। ये देखो यहाँ पे जीरो है, एक बार फोन को रखता हूँ। ओके, 185 ग्राम। तो लाइट वेट के साथ भाई फोन कॉम्पैक्ट भी है। इसकी जो आप थिकनेस देख रहे हो 6.9 mm है। नॉर्मल फोन भी अगर आप देखोगे इतने पतले नहीं होते, बट ये फोन है भाई डेफिनेटली, मैं कहूंगा कि ये अब तक का स्लिमेस्ट फ्लिप फोन लगा मुझे। इसके फ्रंट में आपको 6.9 इंच का FHD+ POLED डिस्प्ले दे रखा है। डिस्प्ले को अगर आप देखते हो पहली बार, देखने में काफी लंबा लगता है। इसे 40 में जो आपको मेन स्क्रीन मिलती है, सेम स्क्रीन साइज है, सेम डिस्प्ले क्वालिटी है। जो मेन डिफरेंस है वो आपको इसके कवर स्क्रीन में देखने को मिलेगा। ये जो डिस्प्ले आप देख रहे हो ये 1.5 इंच की एक OLED डिस्प्ले है। एक बार डिस्प्ले क्वालिटी और क्रीज टेस्ट कर लेते हैं। ये हम YouTube पे जाते हैं और अगर हम यहाँ पर आपको 2160p पे ऑप्शन मिल जाएगा, HDR भी है। और ये देखो भाई डिस्प्ले क्वालिटी, 8x तक जूम हो जाता है। वाओ, क्या डिस्प्ले क्वालिटी है यार, मानना पड़ेगा। सच बताओ तो उसका जो डिस्प्ले आपको ब्यूटीफुल कलर्स दे रहा है। देखो यार सामने से देखते हो क्रीज बिल्कुल भी नोटिस नहीं होता, एक तरीके से यार इनविजिबल क्रीज है। आप थोड़ा सा साइड करके देखो, ये देखो फिर भी आपको नोटिस नहीं होता, पता ही नहीं चला भाई ये कि फ्लिप फोन है। फोन आपका थोड़ा सा ऐसा होगा तो आपको शायद हल्का सा ये नोटिस होगा। ये एक 10-bit डिस्प्ले है, आप कलर्स देख के अंदाजा लगा ही सकते हो। इसके अगर मैं बेजल्स को देखूं, नैनो बेजल्स है। वैसे इसमें 85.4% का स्क्रीन टू बॉडी रेशियो है, ऊपर अगर देखोगे और साइड में देखोगे। और भाई एक चीज तो कहूंगा, ब्यूटीफुल डिस्प्ले है। और एक और चीज देखो, जैसे मान लो आपको स्क्रीन पे वीडियो देख रहे हो और आपने फोन को बंद कर दिया, ये देखो, ये देखो आप कवर स्क्रीन में भी हाई क्वालिटी में वीडियोस देख सकते हो। ये देखो यहाँ से पूरा ऐप को एक्सेस कर सकते हो, ये देखो जैसे मर्जी आप ऐप को एक्सेस करना चाहते हो। स्क्रीन रिफ्रेश रेट है, डिस्प्ले भी जाती है। देखो आपको ये स्टैंडर्ड हर्ट्ज मिलता है और यहाँ पे देखो ये आपको 165 हर्ट्ज है। और ये जो रिफ्रेश रेट है ये स्मार्ट ऑप्टिमाइज है, तो 1 हर्ट्ज से लेके 165 हर्ट्ज तक चला जाता है। मतलब अगर आप मेन्यू वेन्यू एक्सेस करें वहाँ पे कम रिफ्रेश रेट हो जाएगा। आप गेम खेल रहे हो, हाई रिफ्रेश रेट की जरूरत है, वहाँ पर ये हाई रिफ्रेश रेट यूज करेगा। ओ भाई ये तो बहुत ही स्मूथ लग रहा है, ये देखो। एक बार इसकी ब्राइटनेस चेक कर लेते हैं, 1400 nits की पीक ब्राइटनेस। एक बार इसको टेस्ट कर लेते हैं, ये लोएस्ट है, ऑन कर देता हूं भाई 100% में। ये देखो काफी ब्राइट इनफ है। इवन मैंने इसके जो डिस्प्ले है इसको आउटडोर में भी जाके टेस्ट किया, मेन स्क्रीन और कवर डिस्प्ले दोनों को, और दोनों ही भाई ब्राइट इनफ है। इसका जो फ्रंट कवर स्क्रीन देख रहे हो ये अब तक का लार्जेस्ट कवर स्क्रीन है। ओ भाई इससे तो आप ऑलमोस्ट सारे काम कर पा रहे हो जो आप मेन स्क्रीन से कर सकते हो, मतलब तो एक तरीके से ये पूरा स्क्रीन ही है भाई। 3.6 इंच की एक AMOLED डिस्प्ले है, पूरा यहाँ से लेके ये देखो पूरा ये डिस्प्ले भाई। इसके सेटिंग में जाते हो, अगर आप यहाँ पर आपको एक्सटर्नल डिस्प्ले ऑप्शन मिलेगा, देखो यहाँ से आप जो लॉक स्क्रीन है उसे आप चेंज कर सकते हो, मियाओ। और यहाँ से आप होम स्क्रीन वॉलपेपर भी सेट कर सकते हो। देखो डिस्प्ले आप यहाँ से सारा एडजस्ट कर सकते हो, किस तरह से आपके नोटिफिकेशन चाहिए, कितनी साइज में आपको चाहिए। एक बार इसका हिंज देखो, इसके हिंज में कोई गैप नहीं है, ये भाई बहुत ही फ्लेक्सिबल है, मतलब किसी भी एंगल में चला जाता है। देखो ऐसे रखना, यहाँ पे भी हो जाएगा, ये देखो भाई किसी भी एंगल में चला जाता है, ये फ्लेक्सिबल है। ये देखो इसके कवर स्क्रीन से आप दो तीन चीजें कर सकते हो जो प्रैक्टिकल लाइफ में बहुत काम आएगा। पहला भाई साहब, इसमें आपको टेंट मोड दे रखा है, मतलब आप इसे टेंट की तरह कहीं पे ऐसे रख सकते हो, यहाँ से आप सारे मैसेज वीडियो नोटिफिकेशन देख सकते हो। दूसरा एक आप इसे ट्राइपॉड की तरह यूज कर सकते हो, मतलब अगर आप टिकटॉक बनाते हो, रील्स बनाते हो, फोन को आप इसे सामने रख सकते हो और ये देखो सामने से स्क्रीन कितना क्लियर दिखाई देता है। और आपको पता है फिर आप क्या कर सकते हो, नहीं नहीं यार ये मत करना।
जोक्स अपार्ट, मतलब ये जो चीज है जो लोग कंटेंट क्रिएट करते हैं भाई उनके लिए बहुत यूजफुल है। और तीसरी चीज, आप इसमें अपना खूबसूरत चेहरा देख सकते हो। इसके फ्रंट में कवर स्क्रीन में दोनों में ही आपको गोरिल्ला ग्लास विक्टर्स दे रखा है। 1 2 3 ओ भाई भाई कुछ भी नहीं हुआ, हल्का सा भी स्क्रैच नहीं आया। देखो इसका जो फ्रेम है ये मेटल है, नीचे की साइड यहाँ पर माइक है, ये टाइप सी पोर्ट है, ये स्पीकर है, स्टीरियो स्पीकर है, कर देता आवाज। आहा 90s के गाने की बात ही कुछ और है यारा, बहुत ही लाउड है, क्लियर है, ज्यादा ना बजाओ कॉपीराइट आ जाएगा। पावर बटन है, ये फिंगरप्रिंट है, ये वॉल्यूम बटन है। एक बार इसका फिंगरप्रिंट टेस्ट कर लेते हैं। देखो टच करते ही भाई अनलॉक हो जाता है। देखो तो फोन बंद है, आप पावर प्रेस करो ऑन हो जाएगा। ऊपर में ये नॉइस कैंसिलेशन है, लेफ्ट हैंड साइड में ये सिम स्लॉट है, एक सिंगल सिम स्लॉट है, कोई एसडी कार्ड नहीं है। इसमें आपको एक फिजिकल सिम प्लस ईसिम मिलता है। इसमें आपको रियर साइड में डुअल कैमरा मिलता है। ये वाला जो कैमरा है ये मेन कैमरा है 12 मेगापिक्सल का ओआईएस के साथ, और एक 13 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड है प्लस मैक्रो के साथ, ये 32 मेगापिक्सल का। रेजर 40 में भी आपको डुअल कैमरा मिलता है, ये 64 मेगापिक्सल का मेन कैमरा है OIS के साथ, और ये 13 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड, और यहाँ पे आपको फ्लैश लाइट मिलती है, और फ्रंट में ये 32 मेगापिक्सल है। चलो पहले इसका कैमरा टेस्ट कर लेते हैं। पहले मैं एक बार सेल्फी टेस्ट करता हूँ। ओ भाई क्या प्यारा स्किन टोन दिया है। इवन अगर आप जूम करते हो डिटेल्स मोर देन इनफ है। अच्छी बात ये कि अगर आप इसे जूम करते हो ये स्मूथ नहीं करता, एकदम हल्का सा स्मूथ करता है जो नोटिस नहीं होता। एक बार इसके मेन कैमरे से फोटो ले लेते हैं। ये देखो मेन कैमरा यहाँ पर ओपन है, यहाँ से आप लाइव प्रीव्यू में खुद की फोटो देख सकते हो, खुद की फोटो ले सकते हो भाई, किसी की जरूरत ही नहीं है भाई। स्किन टोन हल्का सा रेडिश मिल जाता है आर्टिफिशियल लाइटिंग कंडीशन के हिसाब से, बट बहुत ही प्यारा लगा मुझे। थोड़ा सा दोस्तों बाहर आ गया आउटडोर लाइटिंग कंडीशन में, बारिश हो रही है, इसमें भी कैमरा टेस्ट कर लेते हैं, पता चलेगा कैसा कैमरा है। एक बार इसका फोकस चेक करते हैं। ये देखो भाई फोकस बहुत ही फास्ट करता है। शटर स्पीड टेस्ट करो तो ये देखो बाबा का, मैं इसको क्लिक करता जाता हूँ। ये देखो भाई ये मैंने फोटो को ओपन किया, 0.2 सेकंड कुछ टाइम ले लेता है, पर जो प्रोसेस करता है इमेज, ये देखो भाई बैकग्राउंड में ब्लर देखो, कलर्स देखो। एक HDR लेके देखते हैं भाई, ये मैंने HDR ऑन। एक ये वाली फोटो देखो भाई, ये पोर्ट्रेट मोड से ली गई है। अगर हम एज डिटेक्शन की बात करें, एज डिटेक्शन थोड़ा सा बेटर हो सकता है, यहाँ पर हल्का सा डिटेक्ट नहीं कर पाया है, बट काफी हद तक ये अच्छे से डिटेक्ट कर लेता है एजेस को। और स्किन टोन पोर्ट्रेट मोड में हल्का सा आपको रेडिश स्किन टोन मिल जाता है। बैकग्राउंड में जो HDR है, और ये देखो भाई फ्लेयर इफेक्ट भी देखने को मिल जाता है हल्का फुल्का। बैकग्राउंड में जो ब्लर है वो बहुत अच्छे से कर लेता है। ओके 8x तक आपको जूम मिलता है, तो 8x में भाई डिसेंट फोटो ले लेता है ये। ओके सेल्फी एक बार टेस्ट कर लेता है आउटडोर में। ओके तो भाई ये है नॉर्मल मोड से एक, और एक ये पोर्ट्रेट मोड। क्या बात है यार, सेल्फी देखो स्किन टोन कितना प्यारा दिया है, जूम करने पे पिक्सल्स फटते नहीं है, काफी ब्राइट है भाई सेल्फी ये देखो देखने में। ये डायरेक्ट सनलाइट में, यहाँ पे जो कैमरा थोड़ा सा स्ट्रगल करता है ये थोड़ा सा लाइटिंग की वजह से भी है भाई। ओवरऑल अगर मैं सेल्फी की बात करूँ तो सेल्फी भी बढ़िया निकल के आते हैं। ये देखो यार वीडियो में अगर आप जाते हो, ओके 4K 30fps पे और 1080p 60fps पे आपको रिकॉर्डिंग मिल जाता है। भाई ये वाली जो वीडियो रिकॉर्डिंग है ये रियर कैमरे से 4K 30fps पे रिकॉर्ड की जा रही है, आपको क्वालिटी का आइडिया हो जाएगा। थोड़ा सा इसकी स्टेबलाइजेशन चेक करते हैं। फ्रंट वीडियो रिकॉर्डिंग की बात करते हो 4K 60fps और 30fps पे मिल जाता है, क्या बात। इससे वीडियो रिकॉर्डिंग की बात करो तो ये देखो जो आप क्वालिटी देख रहे हो फ्रंट कैमरे से रिकॉर्ड की जा रही है, और यहाँ पर 60fps पे अगर मैं सन के अगेंस्ट जाता हूँ तो देखो आपको कुछ इस तरह की क्वालिटी मिलती है। रेजर 40 में थोड़ा सा प्रोसेसर अलग है, इसमें आपको स्नैपड्रैगन 7 Gen 1 प्रोसेसर मिलता है। इसमें मोटोरोला ने स्नैपड्रैगन 8+ Gen 1 प्रोसेसर यूज किया है, एक साल पुराना जरूर है, बट स्टिल ये पावरफुल है, फ्लैगशिप लेवल की आपको परफॉर्मेंस देने वाला है, रो गेमिंग भी कर सकते हैं। मैंने एंड्रॉइड रन करके देखा और जो स्कोर निकल के आया वो 8,71,000 प्लस निकल के आया है। इसमें मैंने सीपीयू थ्रॉटल टेस्ट करके भी देखा, करीब 15 मिनट का सीपीयू थ्रॉटल परसेंटेज 85% है। आई नो आप सभी लोग हीरो गेमिंग का वेट कर रहे हो। अगर हम ग्राफिक्स की बात करते हैं, अल्ट्रा HD भी है, ये स्मूथ पे गए, स्मूथ पे एक्सट्रीम ऑप्शन है क्या बात है, और अल्ट्रा पे आपको अल्ट्रा का ऑप्शन मिल जाता है, मजा आएगा खेलने में। दोस्तों पीरो गेम प्ले देखने के लिए लाइक तो करना पड़ेगा, अभी तक नहीं करा कर दो यार। भाई डिस्प्ले बहुत ही लंबा है तो उसकी वजह से जो स्क्रीन दिख रहा है ना भाई मजा आ गया। ओके स्मूथ एक्सट्रीम पे भाई गेम खेल रहे तो एकदम आपको स्मूथ एक्सपीरियंस मिल रहा है। ये देखो इसको हम ऐसे कर खेल सकते हैं। ओहो अरे पीरो मनो सर इज हियर। ओके भाई जो ग्राफिक्स है एकदम स्मूथ है, कोई लैग नहीं है, कोई फ्रेम ड्रॉप नहीं है,
तो भाई आप एकदम प्रो लेवल की गेमिंग कर सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। भाई अगर आप गेम खेलते हो तो हल्का सा यहाँ पर और पीछे बैक की साइड में आपको हल्का सा वार्म फील होता है। एक सेकंड, कवर स्क्रीन में गेम खेल सकते हैं। ओह भाई इतने छोटे से स्क्रीन में BGMI, छोटा उसमें भी क्वालिटी अच्छी मिल रही है भाई। ये फायर फोन के परफॉर्मेंस को जितना भी टेस्ट किया मैं कहूंगा परफॉर्मेंस वाइज फोन में आपको कोई इशू नहीं आएगा। ये देखो 8GB रैम है, 256GB स्टोरेज है, मल्टीटास्किंग स्मूथ है, रीड राइट स्पीड भी बहुत ही फास्ट है इसकी देखा जाए तो। ओके मल्टी टच भी देख लेते हैं कितने मल्टी टच है। ओके तो 10 मल्टी टच है देख सकते हो। इसमें आपको 3800 mAh की बैटरी मिलती है, 33W का टर्बो चार्जर मिलता है इसमें। बैटरी की बात करूं तो बैटरी थोड़ी सी कम जरूर है, हो सकता है आपको दिन में दो बार फोन को चार्ज करना पड़े, बट ठीक है यहाँ पर मोटोरोला ने फोन को ज्यादा स्लिम करने के लिए बैटरी थोड़ी सी कम यूज की है। इसमें 5W की वायरलेस चार्जिंग सपोर्ट भी है। बाकी एक बार इसका एंड्रॉइड वर्जन चेक करते हैं। मोटोरोला का इसमें MIUX है और ये बेस है भाई Android 13 पे, 13 5G बैंड से डुअल वाईफाई है और IP54 इसमें। ओके सो ये था ओवरऑल मॉडल की Razer 40 सीरीज का स्मार्टफोन। प्राइसिंग की बात करते हैं तो Razer 40 अल्ट्रा की प्राइस है 89,999 रुपीस, लेकिन बैंक ऑफर के साथ आप इसे 82,999 रुपीस में बाई कर सकते हैं। Razer 40 की प्राइस 59,999 रुपीस है, बट ये आपको इफेक्टिव प्राइस में 54,999 रुपीस में मिल जाएगा। भाई सीरियसली अगर मुझे इस फोन के बारे में एक लाइन में बोलना है मैं कहूंगा भाई क्या फोन बनाया मोटोरोला ने, वाओ। जितना भी इस फोन को मैंने टेस्ट किया इसको मैं कहूंगा एक ब्यूटीफुल फ्लिप फोन। अगर मैं Razer 40 की बात करूं तो जो इसकी प्राइस निकल के आई है वाओ, और इस प्राइस पॉइंट पे Razer 40 एक मोस्ट अफोर्डेबल फ्लिप फोन बन जाता है। कुछ चीजें अगर मैं दूसरे फ्लिप फोन से कंपेयर करूं तो इसमें स्टैंड आउट करता है। सबसे पहले भैया इसका कवर स्क्रीन, इसमें आपको लार्जेस्ट कवर स्क्रीन मिलती है और ये फुल्ली फंक्शनल है, मतलब कवर स्क्रीन से आप सारे काम कर सकते हो। दूसरा ये जो फोन है पॉकेट फ्रेंडली तो है बट ये बहुत ही स्लिम भी है। सबसे जो बेस्ट लगा वो है इसका कवर स्क्रीन। दोनों में से अगर देखा जाए तो ओवरऑल मुझे भाई जो Razer 40 अल्ट्रा है ये काफी ज्यादा एक्साइटिंग लगा। और अगर आपका कोई फ्लिप फोन बाय करने की सोच रहे हो डेफिनेटली आप इस फोन को चेकआउट कर सकते हो। वीडियो अच्छा लगा लाइक जरूर कर देना और थोड़ी सी मेहनत कर लो या थोड़ी सी टाइपिंग करके कमेंट में बता दो आपको कैसा लगा ये फोन। वीडियो को फैला दो यार चारों तरफ। मिलता हूं मैं आपको एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड स्टे सेफ।